हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर NS125 के बारे में। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे इस बाइक के रिगार्डिंग और मुझे मैसेजेस भी आया इंस्टाग्राम पर। तो अभी ये जो आप पिक देख रहे हैं ये फ्रेंड्स ऑफिशियल पिक है बजाज की, जिससे कि फ्रेंड्स ये अब कन्फर्म हो चुका है कि ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। और ये जो डिटेल्स है फ्रेंड्स मुझे शोरूम से डायरेक्टली मिले हैं, मतलब जो डीलर होती है उनसे मिली है, उन लोगों की जो मीटिंग होती है फ्रेंड्स वहाँ से ही ये इमेजेस जो है उन्हें शेयर की गई थी और ये इमेजेस वहाँ से मुझे मिल गई है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसका जो लुक है ये बिल्कुल ही आप NS160 अभी जो आ रहा है इंडियन मार्केट में सेम उसी के जैसा है। पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो NS125 सेल होती है, जो कि पहले इंडिया में LS135 के नाम से सेल होती थी, वही यहाँ पे लॉन्च होगी, बट वो अब फ्रेंड्स दूर हो चुका है। ये फाइनल इमेजेस है जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑफिशियल इमेजेस है, और इसमें ये कंफर्म हो चुका है कि इसका जो लुक्स है वो आपको सेम NS160 और NS200 जो अभी सेल हो रहा है इंडियन मार्केट में उसके जैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा, क्या कुछ प्राइसिंग वगैरह रहेगा और कब तक देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आप जानते हैं इंडियन मार्केट में 125 सीसी का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा अभी बढ़ रहा है, क्योंकि 150 और 160 सेगमेंट की जो बाइक्स है उनका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हायर साइड पे चला गया है। तो ऐसे में फ्रेंड्स कंपनीज़ भी जो है वो अपनी मतलब जो हायर कैपेसिटीज़ की जो बाइक्स है सेम लुक्स के साथ इंजन को छोटा करके 125 सीसी में लॉन्च कर रही है, जिसका कि अभी आप सबसे बड़ा एग्जांपल बोल सकते हैं ड्यूक 390 के लुक्स में अब आपको ड्यूक 125 मिल जाता है। उसके बाद आपको RC125 भी सेम लुक्स में मिल जाता है जो कि RC390 के लुक्स में आता है। और खुद अगर अभी आप पल्सर को भी देखते हैं तो पल्सर 125 को अगर आप देखते हैं तो वो सेम पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाले लुक्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि सेम बॉडी है आप बोल सकते हैं, बस इंजन ही आपको छोटा देखने को मिलता है, जिससे कि उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है और पावर कम हो जाता है। तो उसी तरह फ्रेंड्स आपको NSB 125 में अब देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको लुक्स एकदम सेम देखने को मिल जाएगा NS160 और NS200 वाला सेम ग्राफिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। बस इसमें आपको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपको इसके इंजन में देखने को मिल जाएगा और इसके फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कलर स्कीम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप जानते होंगे इंडिया में जो NS160 और NS200 सेल हो रहा है उसका जो अलॉय व्हील्स है वो व्हाइट कलर में कंपनी आपको ऑफर करती है, बट जैसे कि अभी आप इस इमेजेस में देख सकते हैं इस इमेजेस में फ्रेंड्स जो अलॉय व्हील्स है वो आपकी ब्लैक कलर की ही है। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि आपको ब्लैक कलर का भी अलॉय व्हील्स का ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि व्हाइट अलॉय व्हील्स का जो मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और आप इसका सैसी का भी कलर देख सकते हैं, वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिल रहा है। और अगर अभी आप देखते हैं NS160 और NS200 में तो उसमें जो चैसी का कलर है वो भी आपको व्हाइट मिलता है। तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स कलर स्कीम में कंपनी ने चेंजेस किया है, बस इसकी जो इसकी टिकरिंग वाली ग्राफिक्स है जिसमें कि 125 लिखा हुआ है वो आपको व्हाइट में देखने को मिल रहा है। और ये जो इमेज है ये हमारे पास अभी मैट ब्लू कलर वाली की है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कलर ऑप्शंस की, तो कलर ऑप्शंस इसमें आपको काफ़ी मिल जाएगा, जैसे कि अभी आपको NS160 और NS200 में मिलता है तो लगभग सभी कलर ऑप्शंस में आपको NS125 भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल डिजाइनिंग की और टैंक की साइज़ वगैरह की, तो वो सब कुछ एकदम सेम रहने वाला है, सेम बॉडी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पल्सर 125 का मिलता है सेम उसी तरह से सेम बॉडी आपको मिल जाएगा। और इसकी जो लाइट्स है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगी फ्रंट में, और इसका जो मीटर कंसोल है वो भी आपको सेमी डिजिटल ही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या इसमें कनेक्टिविटी फीचर आएगा, तो फ्रेंड्स इसमें कनेक्टिविटी फीचर आने का भी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए फ्रेंड्स तो अभी मतलब बजट सेगमेंट की ऑफरिंग है, और कंपनी अगर इसमें कनेक्टिविटी फीचर वगैरह दे देती है तो प्राइसिंग काफ़ी हायर साइड पर चला जाएगा। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि बजाज पल्सर NS125 इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकती, बजाज अपनी ही पल्सर 125 को खुद कंपटीशन क्यों देगा। तो फ्रेंड्स वो कंपटीशन यहाँ पे देने का बात ही नहीं आता है, यहाँ पे बात है कि 125 सीसी अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है और ऐसे में सभी कंपनीज अपनी 125 सीसी की प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च कर रही है। और अगर अभी आप देखते हैं इंडियन मार्केट में तो NS160 और NS200 का जो सेल्स फिगर है वो मतलब पहले के जैसा अब नहीं रहा है, क्योंकि लोग भी जो है वो अपडेटेड मशीन परचेस करना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो 160 या 200 सीसी सेगमेंट की बाइक परचेस कर रहे हैं तब। तो इसीलिए फ्रेंड्स कंपनी इसमें 125 सीसी का भी ऑप्शन लॉन्च कर रही है, ताकि जो मतलब सेल्स फिगर है वो उन्हें फिर से अचीव कर पाए पहले के जैसा। और स्पेशली अगर आप देखते हैं तो जब से पल्सर 125 लॉन्च हुआ है तब से ही जो मतलब उसका सेल्स फिगर है वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे फ्रेंड्स कंपनी ने मतलब यहाँ पे हो सकता है इसी डिसीजन को देखते हुए उन्होंने NS125 को भी लॉन्च कर दिया है अब इंडियन मार्केट में। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो इसका जो सेल्स फिगर है मुझे भी लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स में ABS आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ABS को लेकर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे,
तो फ्रेंड्स काफ़ी कम चांसेस है कि कंपनी इसमें आपको ABS ऑफर करेगी, क्योंकि देखा जाए फ्रेंड्स तो अभी इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से 125cc सेगमेंट में ABS को कंपलसरी नहीं किया गया है, और अगर कंपनी इसमें ABS ऑफर कर देती है तो प्राइसिंग भी फिर हायर चला जाएगा, तो ऐसे में चांसेस तो एकदम ना के बराबर ही कि आपको इसमें ABS मिले। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इमेजेस में आपको मिल रहा है, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेयर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा इस बाइक में। अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी इसमें आपको CBS ऑफर करेगी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि देखा जाए फ्रेंड्स तो मतलब ठीक ठाक है, अगर आप 125cc सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं तो CBS भी ठीक है, अच्छा अपना वर्क कर लेता है, दोनों ही जो टायर है उसका ब्रेक एक साथ लगेगा तो स्किड करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको CBS देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं इसके सीट वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको सेम स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगा जो कि अभी आपको NS160 और NS200 में देखने को मिलता है। रेयर में आपको कंपनी इसमें टायर हगर प्रोवाइड करेगी, और अगर बात कर लेते हैं इसमें फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेगा, रेयर में आपको इसमें कंपनी मोनोसॉक्स प्रोवाइड करेगी, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें आपको कीक भी देखने को मिल जाएगा, और ये 5-speed गियरबॉक्स के साथ आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको पल्सर 125 वाला इंजन नहीं मिलेगा, चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि NS जो सीरीज़ है वो पल्सर सीरीज़ से अलग होती है, और इसमें कंपनी मतलब आपको सेम पल्सर वाला इंजन नहीं ऑफर करेगी। इसमें आपको कंपनी 125cc में हो सकता है आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन ऑफर कर दे, उसको लेकर अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं आया है, और ना ही पावर वगैरह के बारे में कुछ भी कन्फर्मेशन आया है। इसमें जो अप्रॉक्स में आपको पावर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो आपको 11-12 BHP के बीच में ही पावर देखने को मिलेगा, जो कि देखा जाए तो 125cc के हिसाब से ठीक पावर इसमें कंपनी आपको ऑफर करने वाली है। और अगर बात कर लेते हैं माइलेज का, तो फ्रेंड्स ये आपको 50+ तक का माइलेज इजीली ऑफर करेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है 125cc सेगमेंट में। अगर हम बात कर लेते हैं इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में, तो इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल ही अपराइट रहने वाला है, आपको बैठने में किसी भी तरह का कोई इशू फील नहीं होगा, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मस्कुलर लगेगा 125cc सेगमेंट के हिसाब से, आप बोल सकते हैं ये नेकेड स्पोर्ट्स, NS का मतलब ही होता है नेकेड स्पोर्ट्स, तो काफ़ी लोगों को पल्सर का जो लुक्स है वो काफ़ी आउटडेटेड लग रहा था पल्सर 125 का, तो अब उनके लिए एक और ऑप्शन आने वाला है बजाज के तरफ से इंडियन मार्केट में, जिसका कि फ्रेंड्स नाम कंपनी NS125 रखने वाली है, और ये अब लुक्स तो आपको पहले से ही पता है, आपने देख ही रखा है NS160 और NS200 का, तो सेम लुक्स में आएगा, बस इंजन को कंपनी छोटा करके ऑफर कर देगी। अगर हम बात कर लेते हैं और डिटेल्स के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें आपको सब कुछ सेटअप वगैरह सब सेम ही देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स आपको जो है वो बल्ब में ही देखने को मिलेंगे, उसमें भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाएगा, इसमें सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड आपको दोनों देखने को मिलेगा, और इसमें फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक फोक्स में, जिससे कि नाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में, तो प्राइसिंग वगैरह के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट जैसा कि मुझे डिटेल्स से पता चला है आपको फ्रेंड्स, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ के अंडर ही देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि 125cc में अगर आप पल्सर 125cc से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा उससे आपको प्राइसिंग इसका ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट फ्रेंड्स फिर भी ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसका जो लुक्स है वो पल्सर 125 से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी रहने वाला है। और इसमें फ्रेंड्स आपको रेयर में जो है वो टेल लाइट्स LED में ही मिल जाएगी, और स्प्लिट में कंपनी आपको इसमें ग्रैब रेल्स ऑफर करेगी, और पीछे में इसमें आपको एल्युमिनियम का टेल टाइडी देखने को मिल जाएगा। तो यही सब डिटेल्स था फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये 1 से 2 महीने के अंदर आपको सभी शोरूम्स पर डायरेक्टली आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको फ्रेंड्स CT 110X का जो लॉन्च देखने को मिला, उसी तरह ये भी बाइक जो है ये डायरेक्टली शोरूम्स पर ही आ जाएगी, और आपको डायरेक्टली शोरूम्स पर ही देखने को मिलेगी। जैसे ही ये बाइक हमारे नियरेस्ट शोरूम पर आती है, सबसे पहले जो वॉक राउंड है और इसका डिटेल्ड रिव्यू, माइलेज टेस्ट, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए।